वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सब 99। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड के क्लास 11th का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट का मीन्स होता है झलक या चित्रण, ऑफ ए लेडी मतलब महिला का। इसको राइट किए हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ का इस पाठ में वर्णन करते हैं कि मेरा दादी माँ के साथ क्या संबंध था, हम और दादी माँ कैसे अकेले गांव के घर में साथ साथ रहते थे, हमारे पिता माता पिता शहर चले गए थे तो हमारी दादी माँ अकेली रहती थी, चिड़ियों को भोजन कराती थी और हम उनके साथ स्कूल में जाते थे और मंदिर में जाते हैं, यही सब कहानी है। मतलब कुल मिलाकर इसमें इस कहानी में ये है कि खुशवंत सिंह एक राइटर थे और जो लेडी महिला थी वो इनकी दादी माँ थी, उनके साथ कैसा उनका संबंध था, कैसा रिलेशन था, इन्हीं सब बातों का जिक्र है। चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। माय ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ लाइक तरह एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति के ग्रैंड मदर मतलब दादी जी की वाज एन ओल्ड वूमन। मेरी दादी माँ प्रत्येक व्यक्ति के दादी माँ के समान एक वृद्ध महिला थी। एवरीबॉडी का मंस होता है प्रत्येक व्यक्ति। मेरी दादी माँ प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ के समान एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी थी एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड का मीन्स होता है चेहरे पर झुर्रियाँ होना। फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से दैट कि आई हैड नोन इन नोन हर। नोन मतलब जानता हूँ, हर मतलब उनको। कहने का मीन्स ये है, राइटर इसमें ये बोल रहे हैं कि जब से मैं उनको जानता हूँ तब से वह वृद्ध हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं। जब से राइटर जानते हैं तब से बात हो रही है। पीपल सेड, लोग कहते थे दैट कि शी हैड बीन वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोग कहते थे कभी वह एक बार वृद्ध और युवा और सुंदर हुआ करती थी। लोग कहते थे कि कभी वह एक बार, वंस मीन्स एक बार, कभी वह एक बार युवा और सुंदर हुआ करती थी। एंड और इवन हैड अ हस्बैंड, इवन मतलब यहाँ तक कि हैड अ हस्बैंड, उनके एक पति हुआ करते थे। बट लेकिन दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, बट लेकिन हार्ड मीन्स कठिन होता था, टू बिलीव विश्वास करना, लेकिन यह विश्वास करना कठिन होता था। माई ग्रैंड फादर्स, मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट चित्र हैंग लटका हुआ था अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का मतलब सोने वाले कमरे के टॉड के नीचे मेरे दादाजी का चित्र क्या हुआ था, लटका हुआ था। मेंटल पीस मीन्स टॉड होता है। ही ओर, वियर का मीन्स होता है पहनना, उसका सेकेंड फॉर्म है। ही ओर, वह पहने हुए थे बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी, मतलब जो चित्र था उसमें बात की जा रही है। ही वाज, और वह पहने हुए थे अ बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, ढीले ढाले कपड़े। लूज मतलब होता है ढीले, फिटिंग क्लॉथ्स ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी व्हाइट बियर्ड सफ़ेद दाढ़ी कवर्ड का मीन्स ढके हुई थी द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके छाती के अधिकांश भाग को ढकी हुई थी। उनका जो दाढ़ी था इतना लंबा था कि उनके शरीर के छाती के अधिकांश भाग को क्या किया हुआ था, ढका हुआ था। एंड और ही लुक्ड, वह दिखते थे एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और एट लीस्ट का मीन्स कम से कम, वह कम से कम 100 साल के दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, ही डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखते थे सॉर्ट ऑफ प्रकार ऑफ पर्सन, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे हु, जिसके पास वुड हैव अ वाइफ, एक पत्नी हो और चिल्ड्रन। वह ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते थे, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे कि उनके पास एक पत्नी हो और वाइफ हो। ही लुक्ड, वह दिखते थे एज इफ, मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट ऑफ चिल्ड्रन। ही लुक्स, वह दिखते थे एज, मानो कि ही कुड हैव लॉट्स, लॉट्स का मीन्स बहुत से, ऐसे दिखते थे मानो उनके बहुत और बहुत सारे नाती पोते हों। ग्रैंड चिल्ड्रेन का मीन्स होता है नातिप। एज फॉर माई ग्रैंड मदर यंग एंड प्रीटी, एज का मीन्स जहाँ तक मेरी दादी माँ का युवा और सुंदर होने का प्रश्न है, जहाँ तक मेरी दादी माँ का युवा और सुंदर होने का प्रश्न है। द थाट मतलब यह विचार वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, थाट मतलब यह विचार, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, रिवॉल्टिंग मतलब आश्चर्यचकित करने वाला था, मतलब
यह ऐसा विचार था जिस पर हमें विश्वास करना बहुत आश्चर्यचकित लगता था। शी ऑफन टोल्ड हर, वह मुझसे प्राय कहा करती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, शी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, जब वह खेल जो वह बचपन में खेला करती थी, मीन्स वह खेल जो वह बचपन में खेला करती थी उसके बारे में हमसे प्राय बोला करती थी। दैट सीम वह प्रतीत होता का क्वाइट एब्जर्ब, क्वाइट मतलब बिल्कुल, एब्जर्ब मतलब भद्दा, वह खेल बिल्कुल भद्दा प्रतीत होता था, एंड और अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, अनडिग्निफाइड मीन्स अशोभित, अशोभित लगता था, एंड और अनडिग्निफाइड अशोभनीय लगता था ऑन हर पार्ट्स, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, एंड अनडिग्निफाइड अशोभनीय लगता था ऑन हर पार्ट, जब वो खेला करती थी तो यह खेल उनको कैसा लगता था, अशोभनीय लगता था। वी ट्रीटेड इट, हम इसको समझते थे लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, फेबल्स मतलब होता है कहानियाँ, प्रोफेस्ट मतलब संतों की, शी यूज टू टेल अस, जो हमें वह बताया करती थी, वह जो हमें बताया करती थी, हम उनको कैसा समझते थे, संतों की कहानियों को जैसा समझते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फाइट एंड स्लाइटली बेंट, शी हैड ऑलवेज, वह हमेशा शॉर्ट छोटी थी, एंड फाइट मोटी रहती थी, स्लाइटली बेंट थोड़ा झुकी हुई रहती थी, स्लाइटली का मीन्स होता है थोड़ा या हल्का, बेंट मतलब झुका हुआ। हर फेस, उनका चेहरा वाज़ ए क्रीज क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर फेस उनका चेहरा क्रीज कर रहा है, उसका मतलब होता है क्रॉस का निशान रहता था, मतलब ऐसी झुरियाँ दो एक दूसरे को काटती हो, रिंकल्स का मतलब झुरियाँ, उनके चेहरे पर क्रॉसदार झुरियाँ लगी हुई थी जो प्रत्येक चेहरे पर हर जगह बिखरा हुआ था। नो मतलब नहीं, बी वर सर्टेन, हम अनिश्चित थे, हमें निश्चित था, हमें विश्वास था, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, सी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा से वैसे ही है, बी हैड नोन हर, जब से हम उनको जानते हैं, मतलब राइटर के कहने का मीन्स ये है, जब से हम उनको जानते हैं वे वैसे का वैसे ही है। ओल्ड, वृद्ध हैं, सो ट्रिबली ओल्ड, ट्रिबल मतलब अत्यधिक वृद्ध, मतलब इतनी वृद्ध हैं दैट की सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह और वृद्ध नहीं हो सकती है, मतलब राइटर का ये बोल रहे हैं कि वह इतनी वृद्ध हैं कि जब से मैं उनको जानता हूँ कि और वृद्ध नहीं हो सकती हैं, एंड और हैव स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उसी एज पर, सेम एज का मीन्स होता है उसी एज पर, स्टे मतलब ठहरी हुई है उसी एज पर, मतलब 20 साल से उसी एज पर क्या ठहरी हुई हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, मतलब राइटर बोल रहे हैं जब से मैं उनको जानता हूँ तब से वो उसी एज पर ठहरी हुई हैं, तो राइटर को इस बात पर विश्वास करना डिफ़िकल्ट है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती हैं, बट लेकिन सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा से सुंदर थी, मतलब उनके बिहेवियर अच्छे थे, वही कहने का सेंस ये है। शी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रिजल्टिंग ऑन हर रेवेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप and the other tailing the beads of her rosary, she hopped, वह घुमा करती थी about the house, पूरे घर में, वह पूरे घर में घुमा करती थी in spotless, धब्बे रही सफ़ेद कपड़ों को पहनकर, वह सब धब्बे रही सफ़ेद कपड़े को पहनकर घुमा करती थी, with one hand, एक हाथ में resting on her waist मतलब कमर, वह और वह अपने एक हाथ को अपनी छाती अपने कमर पर रखती थी, हर स्टूप मतलब अपनी कमर पर रखती थी बैलेंस संतुलन बनाने के लिए, एंड द अदर्स, और दूसरा टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, रोजरी मतलब होता है माला, बीट्स मतलब मोती, और दूसरे हाथ में मोती का माला लेकर जपती थी, जैसे संत लोग मोती का माला लेकर जपते हैं राम राम कृष्ण कृष्ण, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उनके जो चांदी कलर के जो सिल्वर मतलब सुनहरे कलर के जो लॉक्स जो बाल थे, जो उनके सुनहरे कलर के बाल थे, वह स्कैटर्ड बिखरे हुए थे अनटाइडली मतलब विस्तार रूप से ओवर हर पली, उनके पीले रंग के चेहरे पर पूरे उनका जो सुनहरा बाल था क्या हुआ था, बिखरा हुआ था, पग्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबियल प्रेयर, उनका जो पीला कलर पकड फेस, उनका पीला कलर का जो चेहरा था, एंड हर लिप्स जो उनके ओठ से कॉन्स्टेंटली मूव मतलब लगातार चलते रहते थे इन ऑडिबियल
प्रेयर, न सुनाई देने वाली प्रार्थना। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटिफुल, यस वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द लाइक द विंटर्स लैंड स्केम इन द माउंटेन। शी वॉज लाइक, वह उस समान थी, विंटर लैंड स्केम मतलब होता है क्षैतिज जमीन, पर्वतों में जैसे क्षैतिज जमीन होता है वैसी वो दिखती थी। इन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सैनिटी बोध ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, मतलब इतना शुद्धता के साथ वो कपड़े पहने हुई थी कि ऐसा लगता था कि ये हमेशा पीस शांति को फैला रहा है और संतुष्ट को फैला रहा है। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी माँ और हम मैं अच्छा दोस्त था। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता लेफ्ट मी, मुझे छोड़ गए थे विद हर, उनके साथ, मेरे माता पिता उनको मेरे साथ छोड़ गए थे। वेन, जब दे वेन टू लिव इन द सिटी, जब ये शहर में रहने के लिए गए थे, जब ये शहर में रहने के लिए गए थे तो मेरे माता पिता उनके दादी माँ के साथ मुझे क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, वी वर कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, टुगेदर मतलब हम लोग लगातार साथ साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी, वो मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में, वो मुझे वेक मीन्स होता है जगाना, वो सुबह में मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और गेट रेडी मतलब तैयार करती थी, और स्कूल के लिए मुझे क्या करती थी, तैयार करती थी। शी सेड, वह कहा करती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह अपने सुबह को प्रेयर को न सुनाई देने वाले गीतों में गाया करती थी। वाइल, जबकि सी बाथ एंड ड्रेस, वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट कि आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मन से इसे जानूंगा, मतलब उस प्रार्थना की बात हो रही है। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट लेकिन नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन इसको कभी याद करने का परेशानी नहीं उठाया, मतलब मैं इसको याद करने की कोशिश नहीं किया। देन तब शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वह मेरे लकड़ी के स्लेट को दफ्ती को लाती थी, विच जिसे शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको वह पहले से साफ की होती थी, एंड और प्लास्टर विद येलो चाक, और पीले कलर के चाक से उसको पुताई की होती हैं। अ टाइनी अर्थन लिंक पॉट, एक छोटा मिट्टी का दवात होता था, एंड अ रेड पेन, और एक लाल क्रम का पेन होता था। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और उसको एक बंडल में बांध देती, बंधक बना देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और इसको मुझे सौंप देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और इसे मुझे सौंप देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ऑफ अ थीक, एक मोटा स्टेल चपाती, एक मोटी बासी चपाती, स्टेल का मेंटेनेंस होता है बासी, एक बासी चपाती विद लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन लगाती थी, एंड शुगर, और थोड़ा सा चीनी स्प्रेड ऑन इट, इस पर फैला देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, विद्यालय जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्लेट चपाती विद हर फॉर विलेज डॉग्स, शी कैरीड, वह ले जाती थी बहुत सारी बासी चपातियों को गाँव के कुत्तों को खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। ऑलवेज मीन्स हमेशा, वेंट मतलब जाती थी, हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था अटैच जुड़ा हुआ था टू द टेम्पल मतलब मंदिर से, जो स्कूल था मंदिर से जुड़ा हुआ मतलब पास था। द प्रीस्ट, जो पुजारी होते थे, टॉट अस, हमें सिखाते थे या पढ़ाते थे दी अल्फावेट, वर्णमाला को, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह के प्रार्थना को। वाइट वाइल, जबकि द चिल्ड्रेन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फावेट, वाइल, जबकि चिल्ड्रेन बच्चे सेट बैठे रहते थे बरांडा के एक तरफ पंक्ति में, और अल्फ़ाबेट को गाते थे, मतलब जोर की आवाज़ में अल्फ़ाबेट को बोलते थे, यहाँ गाने का मतलब ये है। आर द प्रेयर्स इन अ कोरस, और जो प्रार्थना करते थे एक जोर की आवाज़ में। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सैट इन साइड, अंदर बैठी रहती थी, रीडिंग द स्कर्स, और
ग्रंथ को पढ़ती थी। वेन जब ही बी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों समाप्त कर लेते थे, हम दोनों समाप्त करने का मतलब है हम स्कूल को समाप्त कर लेता था, दादी मैम प्रार्थना को समाप्त कर लेती थी। बी वुड वॉक बैक टूगेदर, हम लोग वापस चले जाते थे, हम लोग वापस क्या कर लेते थे, चले जाते थे। दिस टाइम, इसी समय द विलेज डॉग, गाँव के कुत्ते वुड मीट अस, हमसे मिलते थे एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे के पास। दे फॉलोड अस, वो हमको हमारा अनुसरण करते थे, टू आवर होम, हमारे घरों तक ग्रोइंग, झगड़ते हुए एंड ग्रोइंग, चिल्लाते भौंकते हुए एंड फाइटिंग, लड़ते हुए विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीज वी थ्रो टू हिम, जो हम लोग जो चपाती उनको बासी रोटी फेंकते थे, मतलब जब दादी माँ और राइटर जाते थे तो जब बासी चपाती को फेंकते थे तो साथ में जो कुत्ते होते थे बहुत ज़्यादा भौंकते थे और आपस में लड़ते रहते थे।